सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है विशाल और आप देख रहे हैं लाइव इवेंट। सो गाइस, बहुत लोगों को अपना हेलमेट का वाइजर वगैरह चेंज करना नहीं आता है, तो आज हम वही ट्राई करेंगे। आता तो मुझे भी नहीं है, लेकिन मैंने भी देखा है, तो मैं आप लोगों को बताऊंगा कैसे कैसे चेंज करना होता है। तो चलिए फिर वाइजर चेंज करते हैं। और उससे पहले एक बात और थी कि गाइस, मेरा बहुत टाइम से ब्लॉग नहीं कर पा रहा था, क्योंकि गाइस मैंने इंस्टा पे अपडेट भी करा था कि मेरा एक क्रैश हो गया था। तो उसके बाद मैं ऐसा क्रैश हुआ कि मेरे पैर में चोट लगी, जिसकी वजह से मैं ना उठ पाया, ना गाड़ी चला पाया, ना कुछ कर पाया। तो व्लॉग इस वजह से नहीं बन पा रहे थे, मैंने अपडेट दे दिया था। तो अब ठीक हो गया हम थोड़ा बहुत, तो आपके लिए व्लॉग आएंगे, जल्द ही व्लॉग आएंगे, बहुत बढ़िया बढ़िया। तो चलिए गाइस, फटाफट से वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो गाइस, अब आ गए हैं आप लोग के लिए वीडियो बनाने के लिए। लेकिन उससे पहले एक वो बताता हूँ कि गाइस, मेरा एक्सीडेंट हुआ था, तो कुछ इस टाइप का रह गया था। देखो, आप लोगों को दिख रहा होगा तो मैं बता देता हूँ, ये देखो। मतलब कि जब एक्सीडेंट हुआ तो उससे पहले मेरा पैर ये कुछ इस टाइप का था। इसमें कम से कम 17 टाँके आए, और किस तरीके से झेले मैंने, मेरे को ही पता है। और भाई अभी तक पैर भी ठीक नहीं हुआ है, जो देख रहे होंगे तो ये उंगलियाँ सूजी हुई है बहुत भयंकर तरीके से, और हल्की फुल्की चोट यहाँ पर भी लग गई थी मेरे, ये दिख रहा हो तो, ये निशान दिख रहा है। ये तो खैर ठीक हो गया, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन गाइस वो ये ना कि घाव तो यहाँ पर था, इस वजह से मैं चल नहीं पा रहा था। तो गाइस चलिए फटाफट से वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस देख लो, आपके सामने आ गया है स्टील बर्ड्स का हेलमेट, और ये दिख रहा होगा आपके नाले का है इसमें क्या SBA 70। तो इसको खोलते हैं और आपको बताते हैं कैसे कैसे वायरस चेंज होते हैं। तो गाइस देख लो, ये अपना हेलमेट है। इसके ऊपर मैंने पहले भी हेलमेट रिवील की वीडियो बनाई थी, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, तो जाके एक बार चेक कर लेना गाइस। और उसके साथ मिला था हमको ये वाइजर मिला था, तो इसको भी हम अभी चेंज करने वाले हैं। कैसे करेंगे ये भी बताता हूँ आपको। तो मेरा काम है हेलमेट, इसे पेटी को करते हैं अपन। तो आप क्या उठाएंगे, तो भाई देख लो, ये रहा अपना हेलमेट, ठीक है, और ये रहा अपना वाइजर। तो ये वाइजर पहले का ही कंपनी से फिटेड आ रखा था, तो मेरे को ये मैंने सोचा था क्या पता ये थोड़ा ख़राब हो जाएगा, तब चेंज करूँगा। तो भाई ये देख लो, ये कंपनी से मिला हुआ था, ये हेलमेट में मिला हुआ है, तो अब हम इसे चेंज करते हैं, ठीक है। तो चलो, तो भाई देख लो, अपना हेलमेट और वाइजर आ चुका है। तो गाइस अभी मैं बताता हूँ आपको कि कैसे ये इसका वाइजर चेंज होता है। सो गाइस, सीन क्या होता है कि अगर आप स्टील बर्ड्स का हेलमेट, अगर आप ये हेलमेट लेते हो, तो इसमें क्या होता है, पहले आपने बटन से हेलमेट खोलना होता है, ठीक है। उसके बाद क्या ऑर्डर करना होता है कि आप लोगों को यहाँ पे एक दो एरो दिख रहे होंगे, एरो, तो इन दोनों को बिल्कुल लाना है सेम, ठीक है। उसके बाद फिर आपने दबाना है ये बटन, बटन दबा दोगे, और उसके बाद अगर आपके पास चाबी वगैरह हो या कुछ, तो उससे आप थोड़ी सी हेल्प लेके यहाँ से ऐसे कर सकते हो। तो मैं आपको बताता हूँ कैसे होगा। जैसे मान लो ये हमने यहाँ से हेलमेट को पकड़ लिया, वाइजर पकड़ लिया, ठीक है। उसके बाद हमने ये बटन दबाया, फिर उसके बाद हल्के से यहाँ से चाबी डाली, और उसके बाद खोल दिया ये ऐसे, तो ये अनलॉक हो गया यहाँ से, ठीक है। और फिर उसके बाद हमने यहाँ से जोर मारना है, ये खुल गया, ठीक है। अब इसी ऐसे ही करके हमने दूसरी साइड से खोलना है। तो गाइस देखो, यहाँ पे एरो दिख रहे होंगे, हमने ये करा, हल्का सा स्ट्रेट लिया है, उसके बाद हमने ये करा। ये करने के बाद क्या करना होता है, फिर हमने यहाँ से उंगली डाली या फिर चाबी डाली, जो भी डालना है। उसके बाद क्योंकि ईजी हो जाता है, फिर तो अपना खुल जाता है ये, तो हमने ये करा और ये खुला, फिर जोर मारा, ये निकल गया। सो गाइस देख रहे होंगे, ये देख लो, ये वाइजर खुल कर बाहर आ गया। तो हमने क्या लगाना है, ब्लैक वाला लगाना है। तो एक बार चेक करो, ठीक है, मैं लगाता हूँ, आप देखो। तो गाइस पहले कहीं से भी लगा सकते हो, पहले मैं इस साइड से लगाता हूँ, क्योंकि इस साइड से थोड़ा बटन वगैरह है, तो मेरे को बेनिफिट रहेगा इस साइड से। तो लगाते हैं गाइस इसी पे। तो गाइस देख रहे होंगे कैसे लग रहा है, ये देखो, मैं बताता हूँ हमने क्या करना है। फिर से वही अपनाना है कि पहले ऐसे करा, फिर वाइजर उठा लिया, वाइजर उठाने के बाद हमने ये लगा लिया, वाइजर उठाने के बाद हमने ये लगा लिया। तो इसके बाद हमने एरो देखना है, कहाँ देखना है, एरो देखना है, एक इधर होगा और एक उसके पास होगा। तो हमने पहले ये लगा लिया, ठीक है, और ये बटन दबा लिया। बटन दबाने के बाद क्या होगा कि वो अपनी जगह पे सेट बैठ जाएगा। तो लगाते हैं फटाफट से, नहीं 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 गलत, तो हमने पहले आगे से लगाना होता है, ये लगा आगे से, ठीक है, अगर आपको दिख रहा हो तो ये लग गया आगे से। तो ये यहाँ पे हल्का सा लॉक हो गया, इसे खोल लेंगे। उसके बाद हमने दबाना है ये बटन, बटन दबाने के बाद क्या होगा, ये यहीं बैठ जाएगा सेट। थोड़ी सी मुझे दिक्कत हो रही है, ठीक
तो गाइस यहाँ से सेट हो चुका है, देख रहे होंगे आप लोग। तो अब हम करते हैं दूसरी साइड से। तो गाइस ये देख लो, यहाँ से कुछ इस टाइप का होता है और हमने वही करना है फिर से। हेलमेट का वाइजर थोड़ा सा नीचे करा, पीछे से बटन आगे करा और उसके बाद हमने ये यहाँ सेट करा, हो गया देख लो। उसके बाद फिर हो गया लो। सो गाइस देख रहे हो ये अपना ब्लैक हेलमेट बन चुका है। देख लो ये वाइजर वगैरह भी लग गया है, बहुत अच्छा लग रहा है। और बाकी मैं इसकी ओपनिंग कर देता हूँ। तो गाइस यहाँ पे अपना हेलमेट हो चुका है ये रिवील। तो देख लो भाई कितना खतरनाक ही लग रहा है भाई, भाई यही बोलूँ। ठीक है, अब इसके साथ मैं आपको दिखाता हूँ अमाउंट के साथ। Never slow till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track. Keep my head up staying strong, always moving on. Feel I don't belong, tell my thoughts to move along. Push myself to be the best, die with no regrets. Live with every breath, see my message start to spread. And I had so many dreams, then you hit your teens. Life ain't really what it seems, try to find out what it means. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Yeah, I put out all the art, it's my only medicine, yeah. Everything I... तो गाइस आपने वीडियो तो चेक कर ही ली होगी, तो एक बार मेरे को कमेंट में ज़रूर बताना कि वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल पर नज़र सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं ऐसे किसी मस्त व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री राम।